हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो जब बात करने वाला हूँ ब्लैक कैप्स तो साइप्रस ईगल फैनकोट ईशर्स टिटन साइप्रस मैच के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के किस प्रकार पिक करना है, किस प्रकार ड्रॉप करना है। हम बात करेंगे ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए टीटी प्लेइंग 11, आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और काफ़ी अच्छे से टीम से काफ़ी अच्छे से पैसे कमा पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से अपडेट मिलते रहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है विजन 11, क्योंकि जो विजन 11 है यहाँ पर कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है, एंट्री फीस भी काफ़ी कम है और एक आपकी एक एवरेज टीम भी यहाँ पर क्लीन स्वीप करके जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है और विजन 11 को आपको हमेशा प्रॉफिट में लेके चलेगा। तो यहाँ पर डिपॉजिट कर एक बार यहाँ पर प्ले करके देखेगा, और अगर आप मेरे रेफर कोड से प्ले करते तो आपको 300 रुपया बोनस भी मिल जाएगा। तो जल्दी से विजन को डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, अब बात करें टीम परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों, इस लीग की जो ब्लैक कैप्स है सबसे टॉप की टीम चल रही है, बाकी जो पीछे साइप्रस के मैच हुए थे वहाँ पर इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे। ये देखिए, उन्हें 4 के 4 मैचों को विन किया, अभी तक 4 ही मैच प्ले किए और पॉइंट टेबल पर 1 नंबर पर रैंक करके चल रही है। और दोस्तों, साइप्रस ईगल्स है उनका जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है, जहाँ पर उन्होंने 5 मैच को प्ले किए, 2 मैच में और 3 मैचों में उसका सामना किया है और दोस्तों पॉइंट टेबल 2 नंबर पर रैंक कर रही है। तो इनका भी जो परफॉर्मेंस ठीक ठाक रह रहा है। दोस्तों, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, वैसे देखा जाए तो जीतने की एक्यूरेसी काफ़ी कम है, 20% एक्यूरेसी जीतने की तो वो काफ़ी कम बन रही है। 20 20 दोस्तों 40% एक्यूरेसी विन करने की तो वो काफ़ी कम है। तो बीसीपी और साइप्रस ईगल्स अगर कल मैच प्ले करते हैं तो दोस्तों मेरे हिसाब से ब्लैक कैप्स विन करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस में। तो दोस्तों, अब बात करें पॉइंट टेबल एवरेज स्कोर प्लस ड्रीम टीम के बारे में। इस मैच का जो वेन्यू रहेगा वो रहेगा दोस्तों पोसनास क्रिकेट ग्राउंड, जो लिम्सोल शहर में है। अब बात करें दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में, जो सबसे मेन होता है पिच रिपोर्ट को देखकर ही टीम को बनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको अच्छे से ड्रा करके दिखाऊंगा। ये आपका ग्राउंड रहेगा और रहेगी आपकी पिच। पिच है दोस्तों बिल्कुल न्यूट्रल रहने वाली है, इनकी न्यूट्रल रहेगी, उसका मतलब है कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों को स्पॉट मिलने वाला है। बाकी जो मैच हुए हैं अभी तक, जो अभी इस टाइम हो रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, इनका जो स्कोर है वो काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो बैटिंग को काफ़ी ज़्यादा स्पॉट मिल रहा है। और जो बॉलिंग है वहाँ पर दोस्तों स्पिनर्स ज़्यादा विकेट निकाल रहे हैं, तो आपको ट्राई करना है कि आप अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्स लेके चल रहे हों, जिससे आपके जीतने चांस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करें ड्रीम टीम के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कोई भी टीम अगर पहले प्ले करेगी तो स्कोर दोस्तों आपको 90+ तो कन्फर्म देखने को मिल ही सकता है। बाकी अगर ब्लैक कैप्स पहले प्ले कर जाती तो सर आपको 150 तो नहीं दोस्तों 120 के आसपास कन्फर्म देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस मैच की जो ड्रीम टीम है वो मैं बना चुका हूँ, जो इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ ड्रीम टीम। दो उससे पहले मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी टीम और टेलीग्राम पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसको ओपन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए कौन से विकेट कीपर, कौन से बैट्समैन, कौन से ऑलराउंडर, कौन से बॉलर, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक वॉच कर लेनी है, जो लोग एंड तक वॉच करेगा उसको इस मैच के बारे में काफ़ी अच्छे से विनिंग टीम प्लस काफ़ी अच्छे से नॉलेज मिलने वाली है। तो हम स्टार्ट करेंगे विकेट कीपर सेक्शन से। तो विकेट कीपर सेक्शन में दोस्तों सबसे अच्छी चॉइस रहेगी नासिर अहमद। विकेट कीपर सेक्शन के लिए आपके पास काफ़ी अच्छी चॉइस होने वाली है। ओपनिंग बैटिंग के लेंगे और स्टार्टिंग से ही मारना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, पिछला जो मैच था वहाँ पर 20 रन की काफ़ी बड़ी पारी प्ले की ओनली 10 गेंदों में, यानी कि काफ़ी तेज़ चौके और छक्के लगाने वाले हैं और ये आपकी टीम के लिए काफ़ी अच्छे चॉइस भी होने वाली है। और ग्रैंडली की टीम के लिए कैप्टन और वेस्ट चॉइस भी काफ़ी अच्छी खासी है। दोस्तों, मैं बात करूँ बैट्समैन सेक्शन के बारे में, तो रानी मकैला जो लास्ट मैच था, दोस्तों जो मैच था वहाँ का जो परफॉर्मेंस था काफ़ी अच्छा खासा था, जब उन्होंने बैटिंग भी काफ़ी अच्छी की और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी खासी की, यानी कैप्टन के लिए काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छा चॉइस होने वाली है। बाकी एक बार लाइनअप आ जाने दीजिए, लाइनअप आने के बाद मैं आपको काफ़ी अच्छी टीम प्रोवाइड करवा दूँगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
जो उससे अलग अलग मैच था, हमने बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी सीखी प्लस बैटिंग भी उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी की। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपकी टीम में जितने ज़्यादा ऑलराउंडर आपके जीतने से उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी दोस्तों ज़्यादा बड़ी चॉइस नहीं रहेगी क्योंकि ये आपके अपोनेंट के पास कन्फर्म आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वक्कास अख्तर के बारे में बात करें तो आज का जो मैच था मैंने आपको क्लीन स्वीप दिया था, अल्ट्रा क्लीन स्वीप था दोस्तों, क्लीन स्वीप नहीं अल्ट्रा क्लीन स्वीप। इनका जो लास्ट मैच का परफॉर्मेंस था देखिए दोस्तों, 2 ओवर में खेले उन्होंने 6 विकेट निकाले दोस्तों, 6 विकेट, 6 विकेट वक्कास अख्तर ने निकाले हैं, तो कितनी बड़ी बात है। 6 विकेट दोस्तों, सोच के देखिएगा कि ओडीआई के मैचों में 6 विकेट नहीं लेते हैं कोई, 10 ओवर में भी 6 विकेट नहीं ले पाते, और वहाँ पर इन्होंने सिर्फ 2 ओवर में 6 विकेट निकाले हैं, प्लस 20 रन की पारी भी प्ले की। तो ये भी कैप्टन और वुश मिले काफ़ी बड़ी चीज़ होने वाली है। बाकी मैंने आपको दोस्तों आज अल्ट्रा क्लीनशिप टीम दी थी, और मैं ट्राई करूँगा कि ये मैच भी आपका अल्ट्रा क्लीनशिप ही दूँ, और वक्कास अख्तर और रानी मकला दोस्तों कैप्टन और वुश मिले ये दोनों ही चॉइस काफ़ी अच्छी अच्छी होने वाली है। दोस्तों मैं बात करूँ कुलविंदर सिंह के बारे में, जो लास्ट मैच था वहाँ पर उन्होंने बैटिंग दोस्तों फ्लॉप गई, लेकिन इनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी खासी गई। और जो उससे पिछला मैच था इनका जो, वहाँ पर उन्होंने बैटिंग इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी की, जहाँ पर उन्होंने 72 की पारी प्ले की है। दोस्तों बॉलिंग का मौका नहीं देगा, बाकी कुलविंदर सिंह को बॉलिंग का मौका कम ही दिया जाएगा, कम ही दिया जाएगा। बैटिंग दोस्तों कन्फर्म करेंगे, और बैटिंग के लिए आप इनको अपनी टीम में ट्राई करके चला सकते हैं। और दोस्तों मैंने टीम यहाँ पे ज़्यादा ऑलराउंडर लेके चला हूँ, बाकी ये रानी मकैला और दोस्तों वो खा सकता ये दोनों ही प्लेयर रहेंगे जो ऑलराउंडर रहने वाले हैं। ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में तो बोल रही ये दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे ऑलराउंडर रहेंगे, तो लास्ट मैच था वहाँ पर बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के मौके दिए गए, और हर मैच में इनको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के मौके दिए जा रहे हैं। बाकी अगर आप अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर लेके चलेंगे तो आपके जीतने थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक ऑलराउंडर बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है, और मान लीजिए उसकी बैटिंग फ्लॉप गई तो उसकी बॉलिंग सही और बॉलिंग फ्लॉप इनकी बैटिंग सही, इनकी एक चीज़ तो चलनी ही चलनी है, और एक ऑलराउंडर आपको हमेशा सेफ रेख के चलता है। इस मैच में इनकी बैटिंग भी काफ़ी अच्छी अच्छी और बॉलिंग, इनको बॉलिंग का मौका दिया कोई विकेट नहीं मिला वो अलग बात है, बाकी इनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। उससे पिछले मैच का परफॉर्मेंस चेक कीजिए, बैटिंग उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी प्लस इन्होंने बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी अच्छी जहाँ पर उन्होंने 1 विकेट निकाल दी थी, तो इनका जो परफॉर्मेंस है पोलरी का काफ़ी अच्छा खास है। और ग्रैंडली की टीम में कैप्टन और वो काफ़ी अच्छी चॉइस भी है। दोस्तों बात करूँ नेक्स्ट अंगारा कला के बारे में, तो लास्ट मैच था वहाँ उन्होंने 22 की काफ़ी बड़ी पारी प्ले की है। दोस्तों T10 के मैच में 22 की काफ़ी बड़ी पारी ही मान लीजिए, उन्होंने 1 विकेट भी निकाली है। तो दोस्तों आपको उन प्लेयर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है जिनकी बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों आ रही हो। ग्रैंडली की टीम में आपको ज़्यादा इनको ही ट्राई करके चलना है। बराड के बारे में बात करें तो बराड का जो लास्ट मैच था वहाँ इनका परफॉर्मेंस काफ़ी नेक्स्ट लेवल का था, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों दी गई, वहाँ पर बैटिंग भी काफ़ी अच्छी सीखी और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी खासी की, तो ये भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर होने वाले हैं और आप इन्हें टीम में ट्राई करके चल सकते हैं। रेशम सिंह के बारे में बात करें तो लास्ट मैच था वहाँ पर बैटिंग भी दी गई प्लस बॉलिंग भी दी गई, तो कल का जो मैच होगा दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, क्योंकि तो कैप्टन और वॉच के लिए मेरे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चॉइस होने वाली है। बाकी दोस्तों 3 मेन चॉइस रहेगी, पोलरी वक्कास अख्तर प्लस रानी मकैला, ये 3 चॉइस ऐसी रहेगी जो कैप्टन और वॉच के लिए ज़्यादा रहने वाली है। बॉलिंग से बारी बात करूँ उमर फारूक दोस्तों, आज के दोनों ही मैच में इनको प्ले का मौका नहीं दिया, अगर प्ले करते हैं तो ये काफ़ी बड़ी जो रहने वाली है, आपको उनको टीम में ले लेना है। दोस्तों बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर गुरविंदर सिंह के बारे में, तो लास्ट मैच था वहाँ पर दोस्तों इनको 1 ओवर दिया गया कोई विकेट नहीं मिला वो अलग बात थी। दोस्तों बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर मोटा सेठी के बारे में, तो इनको दोस्तों प्ले के मौके नहीं दिए जाते, अगर प्ले करेंगे तो ये मेरी टीम में कन्फर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों नडानिया के बारे में बात करूँ तो ये दोस्तों ज़्यादा बड़ी सोच नहीं रहेगी, बैटिंग और बॉलिंग के लिए कम मौके मिल रहे हैं। बाकी एक बार लाइनअप पा दीजिए, लाइनअप पाने के बाद मैं आपको काफ़ी अच्छी टीम प्रोवाइड करवा दूंगा, बस आपको इस मैच में उन प्लेयर को अपनी टीम में ज़्यादा रखना है जिनकी बैटिंग प्लस बॉलिंग ज़्यादा कन्फर्म हो, और आपको दोस्तों यही टीम रखनी है, कॉपी पेस्ट करना कॉपी पेस्ट करना, और कैप्टन और वाइस कैप्टन चेंज कर लेना, आप दोस्तों ग्रैंड लीग विन कर जाएंगे। कल का मैच जैकपॉट मैच होगा ये मैं आपको बताकर चल रहा हूँ, अगर आपको ग्रैंड लीग की भी टीम चाहिए हो तो मुझे दोस्तों कमेंट कर दीजिए, मैं ग्रैंड लीग की भी टीम आपके लिए बना दूंगा, बस आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आप ये कमेंट करते हैं मैं ग्रैंड लीग की टीम बना दूंगा। टीम का प्रयोग कर लेते हैं, जब आपको देखने को मिला कि मेरी टीम में 1 विकेट कीपर 3 बैट्समैन 4 ऑलराउंडर 3 बॉलर को चूज किया। दोस्तों कैप्टन मैंने पुलरी को और वो सिंह बराड़ को ट्राई किया, ये एक टेम्पलेट टीम है दोस्तों, जो फाइनल टीम होगी वो आपको पता है कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी रानी मकैला और वक्कास अख्तर ये ज़्यादा बड़ी जो होने वाली है कैप्टन और वो लाख की, दोस्तों पुलरी को भी तो कन्फर्म रहेगी कैप्टन और वो सिंह बराड़ को मैं टीम में कैप्टन और वो ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको बता सकूँ ये एक टेम्परेरी टीम है, फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए आप सभी को बताए, इस वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत की है, और मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।